इस वीक अगर आपने फिल्मी खबरें मिस कर दी हैं और अब आप उनको बहुत मिस कर रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिल्मी गपशप लेकर एक बार मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इस वीक की वो खबरें जो खास चर्चा में रही। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 15 ने टीवी की दुनिया में दस्तक दे दी है। बिग बॉस 15 के मंच पर सलमान काफी मस्ती करते हुए भी नजर आए, लेकिन इस बीच बिग बॉस 15 के मेकर सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोलिंग का शिकार भी हो गए। वहीं उर्फी जावेद का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उर्फी उन लोगों को खरी खोटी सुना रही हैं जो उनके बिकनी लुक पर सवाल उठाते रहते हैं। तो चलिए गपशप कॉर्नर की शुरुआत करते हैं बिग बॉस से। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को गए एक महीना हो गया है, साथ ही बिग बॉस 15 ने भी टीवी में एंट्री ले ली है। ऐसे में फैंस कयास लगा रहे थे कि बिग बॉस 15 के मेकर्स प्रीमियर एपिसोड में सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट देंगे, लेकिन बिग बॉस 15 के मेकर्स ने तो सिद्धार्थ शुक्ला का नाम तक नहीं लिया। प्रीमियर एपिसोड देखकर सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस खूब नाराज हुए, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर बिग बॉस 15 के मेकर्स की क्लास लगानी शुरू कर दी। दरअसल बिग बॉस के प्रीमियर एपिसोड में सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट नहीं देने पर फैंस काफी गुस्से में हैं। फैंस सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, बिग बॉस 15 का प्रीमियर एकदम बकवास है, इन लोगों ने एक बार भी सिद्धार्थ शुक्ला का नाम नहीं लिया। एक दूसरे यूजर ने लिखा, बिग बॉस 15 के मेकर्स ने सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट नहीं दिया, देख लेना इस बार बिग बॉस 15 फ्लॉप होगा। बिग बॉस OTT से मशहूर हुई उर्फी जावेद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ट्रोलर्स की क्लास लगाती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में उर्फी जावेद उन लोगों को खरी खोटी सुना रही हैं जो उनके बिकनी लुक पर सवाल खड़े करते हैं। उर्फी जावेद ने कहा कि मैं बिकनी पहनूं तो मैं चीप हो जाती हूं, लेकिन स्टार किड्स बिकनी पहने तो वो हॉट हो जाते हैं। बता दें, पिछले कुछ दिनों में कई स्टार किड्स वेकेशन के लिए बाहर गए थे, जिन्होंने इंटरनेट पर बिकनी वाली तस्वीरें शेयर की थी। इन तस्वीरों पर लोगों ने जमकर प्यार बरसाया है। उर्फी जावेद ने स्टार किड्स और आम एक्ट्रेस के बीच इसी भेदभाव के बारे में बात की है। पावर पैक एक्शन ड्रामा वॉर 2 बनने जा रही है, लेकिन इस बार ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में नहीं दिखाई देंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, फिल्म के निर्देशक ने ऐसे हिंट्स दिए हैं। बॉलीवुड में एक के बाद एक हिट एक्शन का निर्देशन कर चुके सिद्धार्थ आनंद यशराज फिल्म के सबसे व्यस्त फिल्म निर्माता हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास शाहरुख खान की पठान और ऋतिक रोशन की फाइटर है। वहीं मेकर्स दूसरी ओर वॉर 2 को लेकर भी चर्चा में हैं। कास्टिंग पर बात करते हुए सिद्धार्थ आनंद ने कहा, हमने अभी तक नहीं सोचा है कि क्या ऋतिक और टाइगर सिक्वेल में वापस आएंगे या हम एक अलग कास्ट पर काम करेंगे। ऐसी भी खबरें हैं कि वॉर 2 में बाहुबली स्टार प्रभास विलेन के रूप में दिखाई देंगे। भाई बेबो यानी करीना कपूर खान एक बार फिर से ट्रोलिंग का शिकार हो गई। करीना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक गार्ड की सलामी को इग्नोर करती दिखी। बस फिर क्या था, लोगों ने जमकर करीना को ट्रोल करना शुरू कर दिया। करीना को अंदाजा भी नहीं होगा कि गार्ड को सलामी का जवाब न देना उनके लिए इतना भारी पड़ जाएगा कि लोग उन्हें घमंडी का टैग दे डालेंगे। दरअसल करीना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक गार्ड ने करीना को सलाम किया, जिसका जवाब करीना ने नहीं दिया। अब बेबो की ये हरकत फैंस ने नोटिस कर ली और उन्होंने करीना को घमंडी का टैग दे दिया। बॉलीवुड स्टार गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के घर की कलह सोशल मीडिया का एंटरटेनमेंट बन गई। कुछ दिनों पहले ही फिल्म स्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता ने एक्ट्रेस कश्मीरा शाह को बुरी बहू बता दिया था। अब ममई सास के इस ताने पर कश्मीरा ने ट्वीट करके उनको जवाब दिया है और उन्हें क्रूर सास का टैग दे दिया है। ये थे इस वीक की चटपटी गॉसिप्स। अगले हफ्ते कुछ और गपशप करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, हमेशा की तरह वीडियो पर अपने रिएक्शंस कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि कौन सी खबर लगी आपको सबसे ज्यादा मजेदार। ABP News आपको रखे आगे।